आज से लाखों स्मार्टफोन में क्यों बंद हो रहा है व्हाट्सएप। आईफोन एंड्रॉइड दोनों यूजर्स चेक करें यहां पर लिस्ट। मैं आपका स्वागत करता हूं बोलेग्राद में। व्हाट्सएप ने आज से लाखों स्मार्टफोन में काम करना बंद कर दिया है। व्हाट्सएप की तरफ जारी की गई नोटिस में बताया गया है कि पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर 1 फरवरी से इसका सपोर्ट बंद कर दिया जाएगा। यानी कि आज से एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लाखों यूजर्स व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप के ऑफिशियल पेज पर दिए गए ब्लॉग के मुताबिक एंड्रॉइड वर्जन 2.3.7 और उससे पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सपोर्ट बंद किया जा रहा है। साथ ही अगर आप एप्पल आईफोन यूजर हैं और iOS 8 और इससे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 फरवरी 2020 से व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे। व्हाट्सएप ने ब्लॉग में ये भी बताया कि जो यूजर्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो 31 जनवरी फरवरी के बाद ना ही नया अकाउंट बना पाएंगे और ना ही वेरिफिकेशन जैसी एक्टिविटी कर पाएंगे। पुराने फोन पर सपोर्ट बंद करने के पीछे की वजह बताते हुए व्हाट्सएप ने कहा कि वो ऐसा इसलिए करता है कि उसका फोकस आने वाले 7 सालों पर रहता है, तो उसका ध्यान उन मोबाइल फोन पर होता है जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें एंड्रॉइड 2.3.7 जिंजर ब्रेड वर्जन है। व्हाट्सएप ने दिसंबर में विंडो फोन के लिए सपोर्ट बंद करने का ऐलान किया था, जिसके बाद 1 जनवरी 2020 से इन पर काम करना बंद कर दिया है। इसके अलावा 31 दिसंबर 2017 के बाद कंपनी ने ब्लैकबेरी OS, ब्लैकबेरी 10, विंडोज फोन 8.0 और बाकी पुराने प्लेटफॉर्म्स के लिए भी व्हाट्सएप बंद कर दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। असुविधा के लिए खेद।